गाइस आज हम लोग खेलने वाले हैं ढेर सारे सुपर विलन का क्विज चैलेंज। ओके पहला क्विज तो हमारा आ चुका है और ये देखो इस साइड पर तो लिखा हुआ है टू, लेकिन एक मिनट इस साइड पर किस गधे की पिक्चर है? बॉस ये तो कोई गधा नहीं बल्कि ये तो नोबिता है। ओ माय गॉड ये कौन सा सुपर विलन बनता है? टू प्लस नोबिता रो रहा है। मुझे भी गाइस कुछ समझ नहीं आ रही, इन लोगों ने मेरी पिक की चिपका दी। एक मिनट इस साइड पर लिखा हुआ है टू और ये नोबिता का फेस है और अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो बनता है टू फेस। ओके आंसर तो पहला हमारा ठीक हो चुका है, टू फेस सुपर विलन ही इसका राइट आंसर है। और ये रहा हमारा सुपर विलन कैच करने का नेक्स्ट क्विज। सबसे पहले तो एक घंटे की पिक्चर है। वैसे ना इस घंटे की पिक्चर लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर अगर जान का फेस भी होता तो हम समझ जाते। अरे गधे हटो, ये कोई गैंडा वैंडा नहीं बल्कि ये तो भूल यानी के गाय है। और इसके दूसरी साइड पर तो एक आई है। गाय आए भैंस आई, कौन सा ये सुपर विलन है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। नोबिता तुम तो हर वक्त नल्ले ही रहना, तुम तो कभी भी गैस नहीं कर पाओगे। ये देखो सबसे पहले है फूल और इसके साथ आई है और अगर दोनों को मिलाया जाए तो बनता है फूल आई। बॉस ने तो गैस कर लिया, फूल आई सुपर विलन इसका राइट आंसर है। ओ माय गॉड ये देखो इस साइड पर तो कितनी ही मासूम कैट है। कैट मुझे तो इसे मिलना है। डोरेमोन के बच्चे से तो ये कैट की इमोजी दूरी रखनी होगी वरना इसे चाटना शुरू कर देगा। ये सब तो ठीक है लेकिन इसके साथ ये देखो ये लड़का तो घोड़े बेच कर सो रहा है और तो मेरे बेजे से भी बाहर निकल रहा है ये क्विज। कैट प्लस ये लड़का सो रहा है, ये कौन सा सुपर विलन है? एक मिनट गाइस मैं इसे हल करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो इस साइड पर कैट है और ये लड़का घोड़े बेच कर सो रहा है। कैट प्लस घोड़े बेच कर सो रहा है, ये भी कोई सुपर विलन का नाम नहीं है। एक मिनट इस तन को बोलते हैं नैप और ये देखो इस साइड पर कैट है और अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो बनता है कैट प्लस नैप। कैट नैप ये तो सुपर विलन है। ओके आप तो मन ठीक हो चुका है, कैट नैप सुपर विलन मोचे इसका राइट आंसर है। भाई साहब भूत मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो यहाँ से किस चोर पर भागने वाला हूँ। अरे बोचन तुम तो बहुत ही कच्चे दिल के और डरने वरने की जरूरत नहीं है, ये तो किसी मूर्ति का ना ढांचा है और इसकी दूसरी साइड पर तो ये रेड कलर है। लेकिन रेड ब्लड ढांचा कौन से सुपर विलन का नाम है? तुम सबको तो जरा भी इंग्लिश नहीं आती, ये देखो इस ढांचे को बोलते हैं स्कल। अरे दोस्तों आप मुझे जाकर समझ आइए कौन सा सुपर विलन है, रेड प्लस स्कल बनता है रेड स्कल। ओके आंसर तो ठीक हो गया लेकिन इसका आंसर तो मैं देने वाला था। अरे सुनियो अगर तुम इतने ही शातिर बनते हो तो इसका आंसर गैस करके दिखाओ। ओके ये देखो इस साइड पर तो है ये फौजी और दूसरी साइड पर कूल की इमोजी है। ठंडा फौजी कूल फौजी है, कौन सा सुपर विलन है? बॉस मुझे तो लगता है ये कुछ और ही है। मारे बॉस की तो ये बात नहीं गाइस, अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका नाम लिख दो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ठंडा फौजी ठंडा आर्मी ठंडा सोल्जर की कौन सा सुपर विलन है? अरे इसे गैस करना तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ये देखो इस टाइम को बोलते हैं विंटर और इसके साथ एक सोल्जर है और अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो बनता है विंटर सोल्जर। आसम गाइस हमारा ये आंसर तो ठीक हो चुका है, विंटर सोल्जर ही सुपर विलन का नाम है। लो आप नेक्स्ट क्विज आ गया और ये देखो इस साइड पर तो सबसे पहले मैग्नेट हो उसके साथ लिखा हुआ है ओ। लेकिन एक मिनट ये कौन सा सुपर विलन है, मैग्नेट प्लस ओ मैग्नेट ओ? अरे लगता है सुनियो को तो कोई भी सुपर विलन का नाम नहीं आता, ये तो इतना इजी था। देखो मैग्नेट प्लस ओ बनता है मैग्नेटो। ओके मैग्नेटो इसका राइट आंसर है गाइस, अगर आपको पहले से पता तो कमेंट में यस जरूर लिख देना। ओ माय गॉड ये देखो इस साइड पर तो तलवार और दूसरी साइड पर दांत। इसका मतलब है कि पोचैन के दांत इस तलवार के साथ टूटने वाले हैं। फालतू की बातें छोड़ो, सबसे पहले हमें इसे गैस करना है। ओके तलवार दांत ये कौन सा सुपर विलन है? हमें इस बार इसे इंग्लिश में बोलना होगा और तलवार को बोलते हैं स्वॉर्ड, उसके साथ तीत है। पर स्वॉर्ड तीत भी कोई सुपर विलन का नाम नहीं। ये भी आप इन्हें मुझे ही बताना पड़ेगा, इस तलवार को बोलते हैं सबरे और इसके साथ ना तूत है। और अगर दोनों को मिलाया जाए तो बनता है सबरे प्लस तूत, सबरे तूत ये तो एक सुपर विलन है। ओके आंसर तो हमारा ठीक हो चुका है, सबरे तूत इसका राइट आंसर है। ओ माय गॉड ये स्कल तो फिर से आ गया और ये देखो दूसरी साइड पर तो ये परिंदा है। स्कल परिंदा स्कल बट कौन सा सुपर विलन है तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। इसे गैस करना कोई बुद्धू लोगों का काम नहीं लगता है, इसे मुझे ये गैस करना पड़ेगा। आज यहाँ तुम्हें भी देख लेंगे। देखो सबसे पहले ये स्कल नहीं बल्कि डेथ की इमोजी है और इसके साथ परिंदा है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड और अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो बनता है डेथ बर्ड। ओके लेट्स सी आंसर ठीक है या नहीं, और ये क्या आंसर ठीक हो गया, डेथ बर्ड सुपर विलन इसका राइट आंसर था।
देख लिया ना आप तुम लोगों ने मैं इसे गैस करने में कितना ज्यादा प्रो बन चुका हूँ। ओके ये देखो इस साइड पर तुम रहना है और दूसरी साइड पर ये डेथ की इमोजी फिर से आ गई। डेथ पेन, डेथ मार्कर, डेथ पेंसिल, कौन सा सुपर विलेन है? ओ माय गॉड, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। इस बार तो मेरे पेजे से भी ऊपर ऊपर से जा रहा है। डेथ पेन तो कोई भी सुपर विलेन का नाम नहीं है। ओके हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। डांचर पेन, स्केल पेन, कोई भी सुपर विलेन से जो ये मैच नहीं कर रहा। अब तो हमारे पास 15 सेकंड बचे हैं, हमें उल्टी गिनती शुरू कर लेनी चाहिए। पर तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कौन सा सुपर विलन है। डैड जी आप कौन सा आंसर था? ये तो कितना इजी था। ये देखो सबसे पहले डैथियोस पेन से बनती थी स्ट्रोक और इसका आंसर था डैश स्ट्रोक। ओके इस बार का हमें आंसर सही से गैस करना होगा वरना हम लोग तो इस गेम से निकल जाएंगे। ओके ये देखो इस साइड पर तो एक पिन है और दूसरी साइड पर मुझे लगता है ये कोई शहजादा है। परी परी लेकिन ये शहजादा प्लस पिन कौन सा सुपर विलन है? ओके ये शहजादा तो है लेकिन इसे किंग भी बोल सकते हैं और ये देखो किंग प्लस पिन बनता है किंग पिन। क्या बात है, सुनियो का पहला आंसर बिल्कुल ठीक हो चुका है। ओ माय गॉड, ये बड़ी बड़ी आंखें किसकी है? उसके साथ तो एक चाबी है। आगे प्लस चाबी, ये कौन सा सुपर विलन है? हमें इस बार फिर से इंग्लिश को यूज करना होगा और ये देखो सबसे पहले आई से उसके साथ तो की है। पर आई की भी कोई सुपर विलन नहीं है। ये आई तो है लेकिन ये किसी की तरफ देख रही है और देखने की इंग्लिश होती है लुक। और अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो बनता है लुक प्लस की लुकी। अरे वो लुकी नहीं बल्कि वो लुकी है और आंसर तो हमारा ठीक हो चुका है। ओके एक और सुपर विलन का क्विज आ चुका है और ये देखो सबसे पहले तो एक डॉक्टर है, उसके साथ तो एक ऑक्टोपस है। ओ माय गॉड, लेकिन एक मिनट, डॉक्टर प्लस ऑक्टोपस ये कौन सा सुपर विलन है? अरे इसके देखो तो पता ही नहीं है, इसने आंसर बिल्कुल ठीक दे दिया और डॉक्टर ऑक्टोपस सुपर विलन ही इसका राइट आंसर है। तो बात है लगता है हम लोग प्रो हो चुके हैं इसलिए हम लोग इतनी तेजी तेजी से इन सबके आंसर दे जा रहे हैं। ओ माय गॉड, मजा तो अब आने वाला है क्योंकि आपसे डिफिकल्ट लेवल शुरू हो चुके हैं। एक मिनट, ये देखो इस साइड पर तो मैजिक बॉल है और दूसरी साइड पर मैजिक स्टिक। मैजिक बॉल प्लस मैजिक स्टिक, ये कौन सा सुपर विलन है? लगता है अब हमें ना इनकी पावर देखकर अंदाजा लगाना होगा कि ये कौन सा सुपर विलन की पावर है। अरे गाइस एक मिनट, ए मैजिकल पावर और साथ में ये मैजिकल बॉल तो मैंने मिस्टीरियस सुपर विलन के पास देखी है। असम क्या बात है, नोबिटा ने तो बिल्कुल आंसर सही दिया और मिस्टीरियो इसका राइट आंसर है। उत्तर की जिसका डर था वही हुआ और अब तो 3-3 इमोजी गैस लेवल आ चुका है। और ये देखो सबसे पहले एलियन है, उसके बाद ब्लैक कलर है और लास्ट में तो स्पाइडरमैन है। और अगर इन तीनों को मिलाया जाए तो एलियन, ब्लैक, स्पाइडरमैन, ये कौन सा सुपर विलन है? लगता है ऐसे काम नहीं बनेगा, हमें तो इसकी पावर से अंदाजा लगाना होगा। ओके इसका मतलब है गाइस वो एलियन जैसा दिखता है और इसका कलर भी ब्लैक है और इसके पास स्पाइडर की भी पावर है। अब हम सबको ना अपने अपने ब्रेन को लड़ाना होगा। वैसे गाइस अगर आप लोगों को समझ आ रही है कौन सा सुपर विलन है तो आप लोग जल्दी से उसका नाम कमेंट में लिख दो। एक सुपर विलन है जिसका कलर ब्लैक होता है, उसके पास स्पाइडर की पावर है और साथ ही साथ वो एलियन भी है। तुम्हें जल्दी से हमें बताना होगा। देखो स्पाइडर की पावर और साथ में ये ब्लैक कलर तो सिर्फ वेनम का होता है। क्या बात है, इस दुनिया ने तो बिल्कुल सही गेस किया और वेनम इसका राइट आंसर है। ओके गाइस फिर से 3 इमोजी का लेवल और ये देखो सबसे पहले ना एक डेविल की इमोजी है और इसके साथ ये पर्पल कलर है और इसके लास्ट में ये ग्लव्स है। ये ग्लव्स तो बहुत ही ज्यादा कीमती लग रहे और गोल्ड का भी मुझे लगता है हमें इसे चुरा कर भाग लेना चाहिए। नो नो हम चीटिंग नहीं करने वाले क्योंकि लास्ट में तो हमें बहुत ही ज्यादा बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। हमें तीनों चीजों को ही देख कर ना गैस करना होगा। सबसे पहले डेविल की इमोजी है यानी कि इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और साथ में इसका कलर भी बताया गया और लास्ट में वो ग्लव्स भी पहनता है। अरे ये ग्लव्स तो मुझे दिखा दिखा लग रहा है, ऐसा ग्लव्स तो थानोस पहनता है। इसका कलर भी पर्पल है और गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है यानी कि ये है सुपर विलन थानोस। क्या मस्त बात है, आंसर तुम्हारा ठीक हो चुका है, सुपर विलन थानोस इसका राइट आंसर है। ओके गाइस नेक्स्ट भी 3 इमोजी वाला क्विज है। सबसे पहले तो ग्रीन कलर है लेकिन उसके साथ की जान चेक कर रहा है। अरे गधा, ये मेरी तस्वीर नहीं बल्कि ऐसे गोब्लिन कहते हैं। वो लास्ट में तो एक डेविल की इमोजी है। अरे गाइस ये जो भी है इसे गुस्सा बहुत ही ज्यादा आता है। तो चलो गाइस जल्दी से हम लोग इसे गैस करते हैं। सबसे पहले ग्रीन कलर है, उसके साथ गोब्लिन है और लास्ट में डेविल की इमोजी है। ओके मैंने तो इसे गैस कर लिया। ये देखो सबसे पहले ग्रीन है, उसके साथ गोब्लिन है और इन दोनों को मिलाया जाए तो बनता है ग्रीन गोब्लिन। क्या बात है,
आंसर तो हमारा टीको चिकर ग्रीन गोब्लिन इसका राइट आंसर है। तो चलो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना। और एक क्विज आपके लिए भी है, जल्दी से इसे गैस करके कमेंट में आंसर जरूर लिख देना।